हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान मलिक। मैं यूके में स्टूडेंट हूँ, मास्टर डिग्री करता हूँ इधर। और मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ यूके की करंट सिचुएशन पर। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगेन दैट वाज बिफोर अ लॉकडाउन। जो यहाँ पर एक लॉकडाउन लगा था नवंबर में, तो ये तब मैंने वीडियो बनाया था। और आज कहेंगे बिफोर क्रिसमस एक वीडियो मैं और बना रहा हूँ, जस्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ यूके। तो जैसे कि इंडियन न्यूज़ में भी, मीडिया में भी बहुत फैला हुआ है कि यस, कोविड इज़ ऑन एक्सट्रीम कंडीशन इन यूके। तो यस, ये सच है, यहाँ पर कोविड बहुत फैला हुआ है। आई मीन, अगर मैं स्टेटिस्टिक्स मैंने जब चेक किए थे, आई मीन कल परसों, तो इट वॉज़ 40% रेज, इवन मोर देन 40% रेज इन ओवरऑल। आई मीन 40% से ज़्यादा कोरोना केसेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। एंड क्योंकि मुझे अभी क्रिसमस पे लंदन जाना था, मैं लीड्स में रहता हूँ, मैं लीड्स में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में। और मैं क्रिसमस पे लंदन घूमने जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो चुका है। लंदन तो इज़ इन कम्प्लीटली लॉकडाउन, टीयर 4 इन्होंने इंट्रोड्यूस तक कर दिया, और लंदन इज़ इन टीयर 4, तो जहाँ पर तो सब कुछ बंद है। और यहाँ पर भी लीड्स की अगर मैं बात करूँ, तो हाँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो यहाँ पर बंद ही हैं। आई मीन देर इज़ नो क्रिसमस फॉर यूके पीपल दिस ईयर, एंड सेम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये एक सिचुएशन तो कोविड की वजह से हो गई। आई मीन अब बात करते हैं जनवरी इनटेक की। जो भी बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं, या जिनके कैश लेटर्स भी आ चुके हैं, या जो आने के लिए वीज़ा लगा रहे हैं एंड ऑल, मैं आप लोगों से बकायदा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अभी यहाँ पर ना आए। आई मीन, अगर आप अपने लोन ले रखा है या कुछ कर रखा है, तो आप एडमिशन कंटिन्यू करिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको जो भी है PSW या जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। लेकिन आप लोग अगर ट्रैवल की बात है, तो यूके बिल्कुल ना आए अभी, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड उसमें भी अगर आप लंदन या उसके नज़दीक जाने वाले हैं, या जितने भी टीयर 4 जोन्स में आप जो जाने वाले हैं, कई सिटीज़ हैं, जैसे एसेक्स है, एडिनबर्ग है, ऐसी कई सिटीज़ टीयर 4 में है, या टीयर 4 में जाने की तैयारी में है। आई मीन लीड्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, जो टीयर 4 में कभी भी चला जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे मत आइए, क्योंकि वैसे तो खैर फ़िलहाल अभी 10-15 दिन के लिए तो फ़्लाइट्स ही बंद हैं, तो आप अभी तो आ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आई होप कि ये थोड़ा आगे और कंटिन्यू रहेगा, तो ऐसा ना हो जाए कि आप लोग यहाँ पर आएँ और फंस जाएँ। तो उससे बेटर है कि आप लोग अभी ना आएँ। अगर एडमिशन नहीं लिया है, या अभी भी आपने फ़ीस प्रोसेस नहीं करी है, तो मेरी आप लोगों से बहुत ही, एज अ बड़ा भाई, या जो आप समझे एज अ छोटा भाई, जैसा भी आप समझे, वैसे तो छोटा तो नहीं हुआ, आई एम 30 ईयर्स, तो आप अपना बड़ा भाई समझे मुझे, आप लोग अभी इस एडमिशन को कैंसिल कर दें। आप लोग सितंबर में प्लान कर लीजिएगा, या उस और अगर और अफोर्ड कर सकते होंगे, तो उसके भी बाद वाले जनवरी में प्लान कर लीजिएगा, अगर यूके ही आपका प्लान है तो। बट प्लीज़, सितंबर से पहले आप लोग यहाँ पर ना आने का सोचें। या आप अगर एडमिशन भी ले लिया है, तो आप लोग ट्रैवल बाद में कर सकते हैं, बेटर यू ट्रैवल लेटर ऑन, कुछ आपका चला नहीं जाएगा। वैसे यहाँ आकर भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है मोस्टली। आई मीन, एक या दो क्लासेस आपके ऑफलाइन होंगे, कैंपस में होंगी, उसके अलावा आपको कैंपस भी जाना नहीं होता है। तो बेटर है आप लोग अभी ना ट्रैवल करें यहाँ पर, क्योंकि आप अगर आ गए और अगर कोविड वगैरह आपको हो गया, और अगर फ्लाइट्स भी वगैरह सब फिर से बंद हो गई, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट ये सुनने में आ रहा है कि ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज़ ने यूके की फ़्लाइट्स को बैन कर रखा है, तो ये सिचुएशन आगे भी अगर फिर से एक आध बार बन गई, तो आप लोग यहाँ पर फंस जाओगे, आप लोग घर भी वापस नहीं जा पाओगे। और अगर उस पर भी अगर आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ अभी आप लोग मत आना, बाद में आना। कुछ यहाँ पर ऐसा चला नहीं जाएगा आपका, आप लोग बाद में प्लान करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर बात करें अब जॉब वगैरह की, या सबसे पहले इसी टॉपिक को मैं थोड़ा अच्छे से कवर करना चाहूँगा, ये जो कोविड की वजह से जो सिचुएशंस हो रखी है करंटली। जैसे मैंने बोला कि जॉब्स वगैरह भी अभी यहाँ पर है नहीं, और आप आएंगे तो फंस सकते हैं। अब वही है कि जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो बेटर है आप लोग कैंसिल करें,
ये प्रोग्राम अभी ये प्लान ही कैंसिल कर दे, सितंबर के लिए उसको शिफ्ट करें, और जिन्होंने ले रखा है एडमिशन वो अभी ट्रैवल ना करें। पॉसिबल हो तो आप अपने कॉलेज से बात करें एंड एडमिशन को आप वो डिफ़र करा दें, इनटेक को जो है वो आप डिफ़र कर दें। अगर आपका सेम कोर्स सितंबर में अवेलेबल होगा तो यूनिवर्सिटी आपको डेफिनेटली वो कोर्स डिफ़र भी करके दे देगी। तो अगेन इससे होगा ये कि आपका एडमिशन सिक्योर भी रहेगा एंड आपका पैसा तो चलो जो आपको मिनिमम जो डिपॉजिट वगैरह देना पड़ेगा वो तो देना पड़ेगा, उस केस में भी दैट इज़ नॉट इट, बट आपका एडमिशन सिक्योर रहेगा अगर वही कोर्स सेम कोर्स आपके सितंबर इनटेक में अवेलेबल है। तो ये आप कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो, आपकी यूनिवर्सिटी से आप बात करिए एंड ये करिए। अब मैं जॉब की बात करता हूँ, मैं स्पेशली लीड्स की बात करूँगा, मुझे दूसरे जगहों का ज़्यादा नहीं पता लेकिन ओवरऑल कुछ ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मुझे मैं यहाँ पर अक्टूबर में आ गया था तो मेरे को हो चुके हैं अभी तक मैं ऑलमोस्ट 3 महीने तो हो चुका है यहाँ रहते रहते। जॉब्स की अगर मैं बात करूँ पार्ट टाइम जॉब्स की, तो अगर तो आप ड्राइवर हैं, यानी आप ड्राइवर यानी इन द सेंस अगर आपके पास यहाँ का 4 व्हीलर का लाइसेंस हो तो यस आपके लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। जो भी यहाँ पे केयर वर्कर सपोर्ट वर्कर की ये जो जॉब्स होती हैं बिना ड्राइवर लाइसेंस के यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, एक भी नहीं मिल रही है। मैं बहुत ही इतना 100% अश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें कोई मुझे चैलेंज कर दे तो आई वुड लव टू डू एनीथिंग वॉट इफ ही से कि हाँ भाई कोई भी सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे ड्राइवरों के लिए निकल रही है। क्योंकि जॉब्स अवेलेबल हैं, ये जो डिलीवरी बॉयज़ है ये सब जॉब्स अवेलेबल हैं। तो एंड एज अ स्टूडेंट आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे तो काम कर नहीं सकते, अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पर आके साइकिल ख़रीद लीजिए और ऊबर ईट्स में जाके साइकिल चलाने लगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद द स्टूडेंट वीज़ा, तो वो अवेलेबल नहीं है, यू कॉन्ट डू दैट। लेकिन अगर आपको 4 व्हीलर चलाना आता है एंड यहाँ आकर आप उसका टेस्ट देकर अगर उसका लाइसेंस ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। स्पेशली ये जो एनजीओ केयर वर्कर मेडिकल, पता नहीं इन लोगों को बिना ड्राइवर लाइसेंस के ये लोग जॉब ही नहीं दे रहे। इंटरव्यू के लिए अगर मेरे को फ़ोन भी आते हैं तो ये लोग बोल देते कि भाई लाइसेंस इज़ मैंडेटरी, इसके बगैर हम आपका इंटरव्यू भी लेकर क्या करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे ये लिमिटेशंस आ रखे हैं। मैं ये लीड्स की बात कर रहा हूँ या लीड्स के सराउंडिंग्स जितने भी छोटे मोटे शहर टाउन्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा मुझे नहीं पता बर्मिंगम में या लंदन में या मैनचेस्टर में क्या सीन है। दूसरा हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जॉब्स जहाँ पे स्टूडेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बार्स ये सब, तो अब ये सब तो वैसे ही बंद हो रखे हैं। टेक अवेज आर ओनली अवेलेबल, आप इन हाउस बैठ के तो खा नहीं सकते वहाँ पर, अभी भी मोस्टली जगहों पर यही सीन चल रहा है और पब्लिक जा भी नहीं रही है ज़्यादा। तो ये जॉब्स भी कुछ ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, जो लोग पुराने थे उनको मिल चुके हैं और एंड इन ये सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि किसी को भी जॉब मिलती है तो वो छोड़ता भी नहीं है। तो अरे इन इन और इन क्योंकि मैं अपना बात करूं, मैं खुद गया था एक पिज़्ज़ा शॉप में अपना सीवी देने, तो वहाँ पे मेरी पर्सनली बात हुई कि बोले भाई वो पिज़्ज़ा शॉप बंद हो चुका अभी, बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड पैंडेमिक एंड, और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था दैट इवन आई वाज सरप्राइज। लेकिन फिर जब मैं सीवी ड्रॉप करने गया तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम अभी तो ये बंद कर रहे हैं, जब फिर से रीओपन करेंगे अगर करेंगे तो फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उस वक्त आपको कंसिडर करेंगे उस वक्त। तो जॉब्स के ये सीन हो रखे हैं, फूड आउटलेट्स में। बाकी बच्चे सुपर मार्केट्स एंड ऑल, यहाँ पर जॉब कैसे लेना है वो मुझे अभी नहीं पता है। मे बी मैं अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी क्योंकि अभी मेरे असाइनमेंट्स और वो सब चल रहा है तो वैसे भी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा या एनी कुछ, और मैंने ज़्यादा करा भी नहीं क्योंकि मेरा आईटी का बैकग्राउंड रहा है। मैं 10 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने ये सब काम किए हैं आईटी कंपनीज में, और मुझे कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस से ऐसा बहुत जानने मिला था कि भाई यहाँ पे आईटी की जॉब्स बहुत हैं क्योंकि पेंडेमिक में तो अब सब ऑनलाइन हो चुका है, ये हो चुका है वो हो चुका है।
तो जब रियलिटी में देखा तो पता चला कि नहीं भाई, ये तो आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो यूट्यूबर्स गलत बोल रहे थे, यूट्यूबर्स आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि आईटी की जॉब्स वगैरह पार्ट टाइम के लिए नहीं अवेलेबल है। आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी आपको पार्ट टाइम के लिए हायर करना चाहेगी, स्पेशली इन दिस सिचुएशन जहाँ पर उतने प्रोजेक्ट्स वगैरह कंपनी के पास है ही नहीं, फ्यूचर का ठिकाने नहीं है, उनके पास फंडिंग ही नहीं है अपने, वो जब खुद अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं तो नए पार्ट टाइम के लिए तो वो लोग डेफिनेटली हायर नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई भी अगर मुझे बोल रहा है आज की डेट में, मे बी अगर लंदन वगैरह के कहीं पे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे रिमोट जॉब के लिए भी एटलीस्ट ईमेल का रिस्पॉन्स आना चाहिए था, मुझे तो वो भी नहीं आ रहा है। 10 ईयर्स आर नॉट, मैं शायद इस भ्रम में जी रहा हूँ कि 10 साल का एक्सपीरियंस इनफ होता होगा आईटी में टू गेट अ जॉब, एटलीस्ट टू गेट अ सिंपल जॉब। मैं फ्रेशर लेवल की जॉब अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ इन लोगों से तो मुझे उसके लिए भी रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं। तो यस, मैं नहीं जानता कि किस यूट्यूबर को लगा कि यहाँ पे आईटी की जॉब्स मिल जाएगी स्टूडेंट्स को, तो मुझे तो नहीं मिल रही है, मे बी किसी और को मिल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर देम, लेकिन मुझे नहीं मिली है अभी तक, तो नहीं मिली है। और मैंने इस फील्ड में इस तरफ की जॉब्स के लिए तो डेफिनेटली अच्छे से ट्राई करी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला। उसके अलावा अब ये जो हम जिसको ऑड जॉब्स अपने कंट्री में बोलते हैं, वहाँ पर मैंने ज़्यादा कोशिशें करी नहीं, और जितनी भी करी वहाँ के रिस्पॉन्सेस 90% तो मुझे सेम ही मिले कि भाई ड्राइवर लाइसेंस चाहिए। उसके अलावा बात रही टीचिंग की, जो यहाँ पे अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट हाईएस्ट जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो अगेन उसके लिए मैंने कोई ऐसे सर्टिफिकेशंस कर नहीं रखे हैं इंडिया से जो मैं यहाँ पे प्रूव कर सकूँ। मेरे पास नो डाउट टीचिंग का एक एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कंसिडरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि सर्टिफिकेशंस नहीं है मेरे पास उस चीज़ के, तो नहीं है। तो यहाँ पे जो मोस्टली जॉब्स अवेलेबल होती है एनजीओ, केयर वर्कर टाइप, फिर हो गया ये अपनी टीचिंग हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए, तो रेस्टोरेंट्स का तो चलो ये ठीक है, रेस्टोरेंट्स ही बंद है तो वहाँ पर जॉब्स होने के चांसेस कम है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन उसके अलावा की जो हाईएस्ट डिमांडिंग जॉब है, या फिर नर्सिंग वगैरह, अगेन आप अगर रजिस्टर्ड नर्स हैं या यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपके आपने पढ़ाई के जो भी है, तो यस आपको बहुत अच्छा पे मिलेगा, दैट इज़ द बेस्ट पे दैट यू कैन गेट। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ही वही है कि आप लोगों को मैं एक तरफ मैं स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अभी बिल्कुल ना आए। ये सारी सिचुएशंस जो हैं हमें देखिए, जितनी न्यूज़ हमने देखी है या हम जितने भी सराउंडिंग्स पे बातें करते हैं या सुनते हैं, तो हमें एक चीज़ तो कॉमन अभी हमने फाइंड आउट करी है कि एक लॉकडाउन तो मिनिमम कुछ नहीं तो और लगेगा। जिस तरह से इनके कोविड केसेस बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं, ये कोई डाउट नहीं है हमें कि एक लॉकडाउन ये लोग और लगाएंगे। एंड आप यूके सिटीजन नहीं हैं तो आपको वो कोई तरह के बेनिफिट यहाँ पे मिलने नहीं वाले हैं। आप अभी भी इस पेंडेमिक के टाइम में भी अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप पूरी ही फीस पे कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज जाएं या ना जाएं। वैसे तो नहीं जा रहे हैं ऑब्वियसली, आपको जाने का ही है ही नहीं, जब जब आपको यूनिवर्सिटी, आप जब एडमिशन लोगे तो वो राइटिंग में ही आपको देगी कि भाई हम क्लासेस ऑनलाइन चलेंगे या तो ब्लेंड है, ब्लेंड है तो भी आपको एक या दो घंटे के लिए मैक्सिमम जाना है यूनिवर्सिटी, उससे ज़्यादा तो जाना नहीं है। आपके जो कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है या वगैरह है वो सब ऑनलाइन हो जाता है, किसी चीज़ के लिए आपको यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं है। तो फिर आप लोग जिनके लोन उन्होंने ले लिया है, जिन्होंने एडमिशन उस लोन के पैसों पे ले लिया है, अब वो लोग तो मैं आपको फिर भी रेकमेंड करूँगा कि आप लोग कोर्स कर लो, कंटिन्यू कर लो, या जो लोग एडमिशन ले ही यानी इवन सितंबर में भी कई बच्चे मेरे हमारे तो सामने ऐसे हुए कि जिन्होंने एडमिशन लिए थे और यहाँ से फिर चले गए क्योंकि वही ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो बोले हम हमारी होम कंट्री से पढ़ लेंगे या फिर हमें इस तरह से कोर्स ही नहीं करना है। हमने हर तरह के बच्चों के केसेस हमने यहाँ पे देखे अभी पिछले 2-3 महीनों में, इंडियंस के भी देखे
अब्रॉड्स के भी देखे, तो हर तरह के हमने देखे हैं। तो मैं भी आपको वही कह रहा हूँ कि आप बने तो एडमिशन अभी ना लो जनवरी में, अगर ले चुके हैं अभी अभी भी अगर आपका कैश लेटर नहीं आया है तो आप अपने आप को लकी समझिए कि नहीं आया है, और समझिए कि आपको आपको भगवान या अल्लाह जो भी आप जिसको भी मानते हैं वो आपको बचा रहा है, आपके पैसे बचा रहा है। और आप उसी टाइम में अगर इंडिया में आपके पास कोई जॉब आपको मिल सकती है या आपका कुछ छोटे एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो कोर्सेज कर लो, कोई नर्सिंग के कोर्स कर लो, कुछ टीचिंग के कोई सर्टिफिकेशंस कर लो, या कुछ आप ऐसा काम सीख लो जो यू नो जैसे आपने कोई कुकिंग वगैरह के कोई पेस्ट्री बनाना सीख लिया, ऐसा कुछ करें जो, या मैकेनिक के कोई कोर्स कर लो, कुछ ऐसे कोई स्किल्स सीख लो जो आपको कहीं भी आप जाओ, नॉट इवन यूके, कहीं कनाडा जाओगे, कनाडा के लिए अगर आप जा रहे हैं या न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, किसी भी और कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो इस तरह की जॉब्स के चांसेस आपको ज़्यादा है। मैं तो कहूँगा कि अगर कोई नर्सिंग वगैरह के कोर्सेज होते हैं तो आप कर ही लो, क्योंकि अभी 2-3 साल तो ये कोई कोविड दवाई निकल चुकी है लेकिन ये कोई ख़त्म नहीं हो जाने वाला है, अब हमें कोविड के साथ ही जीना है। तो अगर पार्ट टाइम जॉब के लिए आप अगर ऐसा कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए। और एक कोई रजिस्टर्ड एनजीओ आप इंडिया में आप ज्वाइन करें, प्लीज़ ज्वाइन करें। अगर आप जो लोग अभी नहीं आ रहे हैं या बाद में भी आ रहे हैं, मैं आप लोगों को कहूँगा आपका जो वीकेंड का टाइम है कोई रजिस्टर्ड एनजीओ के साथ आप टाइम स्पेंड करें, उनसे सर्टिफिकेट लें। और यहाँ पे एनजीओ वर्क के लिए भी सर्टिफिकेट यानी आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, यानी कई बार कई जॉब्स ऐसी हैं कि केयर वर्कर के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर्स वहाँ पर भी अलाउड नहीं है, आई मीन कई कई जॉब्स ऐसी हैं। तो आप बेटर है किसी रजिस्टर्ड एनजीओ के साथ आप जुड़ जाइए, उनको बोलिए आप वहाँ पे सेवा देंगे, और जितना भी जितने भी टाइम आप काम करें आप उनसे बाद में उनसे एक सर्टिफिकेट लीजिए कि भाई हम आपने उनके वहाँ काम किया था, इस तरह के काम किए थे। और जब भी आप कहीं भी अब्रॉड जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आप वो सर्टिफिकेट्स कैरी करें अपने। आप कोई भी कोर्सेज कर ले रहे हैं अगर तो उससे नहीं बनेगा, लेकिन आप जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गेन करेंगे जो भी अपने इस तरह के, वो आपके बहुत काम आएंगे। बाकी तो यही है मेरे पास अभी, और कुछ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, आई होप आपको मेरी बात पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ और जो आने वाले हैं या आ चुके हैं उनके साथ इसको शेयर करिए। आप लोग अपनी भी मदद करिए इस वीडियो को शेयर करके, और दूसरों की भी मदद करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।